पूनम का चांद, रंगों की होली, चांद से उसकी चांदनी बोली, खुशियों से भर दे सबकी झोली, मुबारक हो आपको होली। होली के इस परम पावन अवसर पर परम पिता परमात्मा से मैं आपके और आपके परिवार के लिए हार्दिक कामना करता हूँ कि यह होली आपके पवित्र जीवन में अनेकों अनेक सफलताएं, अपार खुशियां, वैभव, ऐश्वर्य, यश, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि लाए और आजीवन आपको धर्म पथ पर गतिशील रखे। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि होली जो HOLI का एक्रोनिम क्या है। आइए आपको मैं इसी धुलंडी में आज अगजा के अवसर पर ही आपको बताते चलूं। H होता है हेट्रेड, O होता है आउट, L होता है लव और I होता है इन। इसका मतलब ये होता है कि हमें होली हमें नफरत और घृणा को बाहर निकाल कर प्रेम को अंदर करने बोलता है। मस्ती में डूबते हुए, प्रेम की रंग बरसाते हुए हमें नफरत की होलिका जलानी है। मित्रों, आप यह अगजा में देख पा रहे होंगे, हम अपने जीवन के, विश्व के, शरीर के नफरत और घृणा की होलिका जला रहे हैं। इस होलिका का एक मंत्र के साथ जलाना होता है। यह मंत्र भी मैं पाठ करके आपको सुनाता हूँ। अह कुटा भयत्रस्ते कृतात्वं होली बालिसै, अतस्वा पूजा विश्यामि भूति भूति प्रादिनीम। यही मंत्र के साथ पाठ करते हैं। आज होलिका दहन देख रहे हैं लिविंग हैप्पीली में। मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को होलिका दहन का दर्शन करवा रहा हूँ। मित्रों, इस हिंदू धर्म के पवित्र अवसर पर होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन कर रहे हैं, जिसमें अपने शरीर के घृणा, नफरत, सभी नकारात्मक तत्वों का इसमें हम आहुति कर रहे हैं। मित्रों, इस बार होली दर्शन या होली जलाने जब भी जाएं, उस समय अपने साथ थोड़ा सा श्रीफल एवं अन्य वस्तुओं के साथ कपूर की 4-5 गोली एवं 200-300 ग्राम गुड़ भी साथ ले जाएं। इन सभी को जलती हुई होली में अवश्य अर्पण कर दें। ऐसा हम सभी देशवासी करेंगे तो 70% कोरोना वायरस ऊपर वायुमंडल में ही खत्म हो जाएंगे और हम भारतवासी इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित हो पाएंगे।